सो है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1984 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी पर जिसका नाम है द म्यूटिलेटर। इस मूवी की कहानी 6 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो कि आइलैंड पर आए होते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 out of 10। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम एड नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता जो कि एक हंटर थे उनकी गन्स को साफ कर रहा था। उसकी मॉम किचन में केक बना रही थी। तभी होता यह है कि एड जिस गन को साफ कर रहा था वो ऐसे ही इन जनरल गन को चला के देखता है ये समझकर कि वो लोडेड नहीं होगी। पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है गन फायर होती है एंड गोली सीधा किचन में केक बना रही एड की मॉम को लगती है जिसमें उसके मॉम की मौत हो जाती है। जब एड का पिता एड सीनियर घर पर आके अपने पत्नी की लाश देखता है उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो गुस्से में ही एड को थप्पड़ मारता है और वो काइंड ऑफ मेंटली पागल हो चुका था। देन कहानी कुछ साल बाद की हमें दिखाई जाती है जहां एड अब बड़ा हो चुका था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था पैम। उसकी और उसके दोस्तों की कॉलेज में छुट्टियां थी तो सभी बार में बैठे हुए थे। तब एड को उसके पिता का कॉल आता है कि उनका जो बीच के पास जो घर है उसकी मरम्मत करनी है तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अब एड जाना नहीं चाहता था पर जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि एड का घर बीच के पास है सभी उसे चलने के लिए फोर्स करते हैं और कुछ दिन वहाँ पर रुक के मजे करने का सोचते हैं। एड मान जाता है और अगले दिन एड उसकी गर्लफ्रेंड पैम माइक नाम का एक लड़का एंड उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा अल्सो रैल्फ एंड उसकी गर्लफ्रेंड सियू ऐसे तीन कपल एड के पिता के बीच हाउस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर में सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ बीच हाउस में हाल ही में किसी ने पार्टी की थी तो एड बोलता है कि वो शायद उसके पापा एंड उनके दोस्त होंगे जो यहाँ पर पार्टी करते रहते हैं। पर उसके पापा वहाँ पर नहीं थे ये देख के पैम बोलती है कि यहाँ कोई घुस आया होगा और बिना इजाजत किसी ने यहाँ पर पार्टी की होगी तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। पर एड मना कर देता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि घर में उसके पिता की एक कुल्हाड़ी थी वो भी गायब है। ये देखकर अगेन पैम रिपोर्ट करने की बात करती है पर एड नहीं सुनता और बोलता है कि ये कुल्हाड़ी उसके डैड ही ले गए होंगे। इनका ये सब चल ही रहा था कि हम एड के पिता को देखते हैं जो बेसमेंट में बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जो घर से गायब थी। एड का पिता आज भी अपने पत्नी के मौत से बाहर नहीं आया था और अभी तक वो पागल था। उसे सोते हुए विजन्स आते हैं कि उसे एड को और बाकी आए हुए सभी लोगों को मार देना चाहिए। इस बात से बेखबर कि एड का पिता नीचे बेसमेंट में है सभी ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। देन तीनों कपल एक एक कमरा ले लेते हैं एंड देन एड पैम रैल्फ एंड सियू ये तीनों तो हॉल में बैठकर गप्पे मार रहे थे पर माइक एंड लिंडा बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ ये लोग एड के पिता के बारे में कुछ बातें करते हैं एंड इंटीमेट होने के लिए उसी बेसमेंट में एक रूम के अंदर जाने लगते हैं जिसके पीछे ही एड का पिता छुपा हुआ था। पर तभी इन्हें पैम आवाज लगाती है तो ये लोग अंदर ना जाके अगेन सबके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। रात को खाना खा के अगेन माइक एंड लिंडा स्प्लिट हो जाते हैं और बीच पर खेलकूद करते हैं। तब तक यहाँ पर घर में रैल्फ सियू एड एंड पैम गेम्स वगैरह खेलते हैं पर सुन बोर होने के कारण ये लोग भी बाहर जाते हैं तो बीच पर इन्हें माइक एंड लिंडा कहीं पर भी नहीं मिलते। असल में माइक एंड लिंडा पास ही में एक पूल में गए थे जहाँ पर ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। यहीं पर अचानक एड का पिता आ जाता है और पहले वो पानी के अंदर लिंडा को ले जाके उसे डुबो के जान से मार देता है। माइक जो पानी में लिंडा को ढूंढ रहा था उसे लगता है कि लिंडा यहाँ से चली गई तो वो बाहर निकलता है और उसके कपड़े भी वहाँ से गायब थे और रास्ते पर बिखरे पड़े थे। माइक उन कपड़ों को उठाते हुए बेसमेंट के पास आता है और उस दरवाजे को खोलता है जहाँ पर एड का साइको पिता छुपा हुआ था। वो माइक को एक चेनसॉ से बेरहमी से काट के जान से मार देता है। यानी ये जो तीन कपल यहाँ पर बीच हाउस में आए थे उनमें से एक कपल को एड के पिता ने मार दिया था और उनकी बॉडीज को उसने उसी बेसमेंट के साइड कमरे में लटका दिया था। इन सारी बातों से अनजान एड पैम रैल्फ एंड सियू बीच पर खेलकूद कर रहे थे और माइक एंड लिंडा को भी ढूंढ रहे थे
तभी इन्हें शेरिफ मिलता है जो पेट्रोलिंग कर रहा था। ये लोग उसे रिपोर्ट करते हैं कि इनके घर से एक कुल्हाड़ी गायब है और कुछ वक्त से इनके दोस्त भी नहीं मिल रहे। ये सुन के शेरिफ इनके घर में अकेला तलाशी लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो बेसमेंट के पास जाता है, एड का साइको पिता शेरिफ को भी जान से मार के उसकी मुंडी अलग कर देता है और उसे भी उस कमरे में लटका देता है जहाँ पर अभी तक उसने माइक एंड लिंडा को लटकाया था। सभी लोग घूम फिर के घर पे वापस आते हैं और फिर ब्लाइंडफोल्ड मैंस नाम का गेम खेलने लगते हैं। तो एड का पिता एड को अकेला देख के उसे एक रॉड से मारने की कोशिश करता है, पर अगेन सभी रीयूनाइट होने के कारण वो फिर से छुप जाता है। रात को एड एंड पैम अपने कमरे में चले जाते हैं एंड रैल्फ एंड स्यू अपने कमरे में थे। तो स्यू रैल्फ को बोलती है कि घर के सारे दरवाजे बंद करके तुम यहाँ पर ऊपर वापस आ जाओ और अगर तुम्हें माइक एंड लिंडा कहीं पर भी दिखे तो उन्हें भी घर में ले आना, नहीं तो वो बाद में अंदर नहीं आ पाएंगे। रैल्फ जाता है तो उसे भी यही लगता है कि माइक एंड लिंडा बेसमेंट में होंगे। वो वहाँ पर थे पर मरे हुए थे और उनकी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। जैसे ही रैल्फ बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, एड का पिता उसके गले में हथियार घुसा के उसे भी जान से मार देता है। काफी देर तक वापिस नहीं आया इसलिए एड पैम एंड स्यू उसे ढूंढने के लिए आते हैं और इस पॉइंट पर ये लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और माइक लिंडा रैल्फ एंड शेरिफ के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। सियो अकेली बेसमेंट की तरफ जाती है एंड एड एंड पैम बीच की तरफ जाते हैं। तो एड का पिता सियो को भी बड़े ही बेरहमी से जान से मार देता है उसके शरीर में फिशुक्स को घुसा के और बाद में उसकी गर्दन को काट के। जब एड एंड पैम वहां पर आते हैं तो वो सियो की लाश देख के चिल्लाने लगते हैं। एड उस लाश को ढकने के लिए कपड़ा ढूंढ रहा था और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे उस दरवाजे के पीछे अपने बाकी दोस्तों की एंड शेरिफ की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये दोनों डर के मारे भागने लगते हैं पर एड का पिता वहाँ पर आ जाता है। एड को गिरा के वो उसे मारने ही वाला था कि पैम उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके सर में एक एरो फेंक के एंड बाद में वो उसके छाती में एक चाकू घुसा के एड को लेके कार में बैठ जाती है। ये दोनों कार में बैठ के काफी रोते हैं अपने दोस्तों को खो के। इन्हें लगता है कि खूनी मर गया होगा पर एड का पिता कुल्हाड़ी लेके इनके कार के ऊपर चढ़ जाता है और छत को काट के एड को मारने लगता है। इस बार भी पैम एड को बचाती है खूनी के हाथ को जला के। देन जैसे ही एड का साइको पिता कार के डिक्की पे लटक जाता है, पैम कार को तेजी से रिवर्स लेके वॉल कंपाउंड को ठोक देती है जिससे एड के साइको पिता के दो टुकड़े हो जाते हैं। तब तक पुलिस भी वहां पर आ गई थी और जैसे ही एक पुलिस वाला एड के पिता के पास जाता है, उसके पिता में जितनी भी जान बची हुई थी उतने में वो पुलिस ऑफिसर के पैर को काट देता है एंड देन फाइनली एड का साइको पिता मारा जाता है। और इन सब में सिर्फ एड एंड पैम ही जिंदा बच पाते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एड का पिता कई साल पहले हुए एड की मॉम की मौत से पागल हो गया था और एड ने गलती से अपनी मॉम को मारा था, पर फिर भी उसका पिता अपने ही बेटे को मारना चाहता था और उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। कई साल बाद उसने सच में अपने बेटे को मारने के लिए मरम्मत के बहाने बीच हाउस में बुलाया, पर एड अपने दोस्तों के साथ वहां पर आया था तो एड के पिता ने उसके दोस्तों को पहले मार दिया और फिर एड को मारने की कोशिश की पर उसमें वो नाकाम रहा और खुद ही एंड में मारा गया और ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी द म्यूटिलेटर मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।